अकल दाढ़ की प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट के पास जा चुके हैं, उन्होंने आपको निकालने का बोल दिया है, आप और भी एक दो जगह जा चुके हैं, सबने बोल दिया है कि निकाल दीजिए, लेकिन फिर भी हमें डर है, हम नहीं निकलवाना चाहते। हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा क्या होगा, हम नहीं निकालेंगे, हम दवाई खा लेंगे। मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आपको ये बताऊँगा कि अगर अकलदाढ़ नहीं ही निकालते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, अकलदाढ़ जो होती है ये हमें तकलीफ दे रही होती है। तकलीफ दो चीज़ों से देती है, एक इसकी अबनॉर्मल पोजीशन की, ये सही जगह पर है नहीं और ये आना चाह रही है, इसे आने का रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके ऊपर का मसूड़ा, हम जब ऊपर नीचे बाइट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे के दांत मिल करके वहाँ पर उस मसूड़े को परेशान कर रहे हैं। अब हम डॉक्टर के पास गए इस तकलीफ को लेकर के, डॉक्टर ने बोला कि इसे निकाल देना चाहिए, लेकिन ये भी बताया उन्होंने कि साथ ही साथ इसमें एक सर्जरी करके ये निकलेगा, ये नॉर्मल दांत की तरह नहीं निकलेगा। अब सर्जरी, चीरा लगना, टाके आना, मशीन चलना, ये सब सुन के डर गए हैं और हम चाहते हैं कि हम नहीं निकालें, हम दवाई लेकर के ही इसको जहे तहे से मैनेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होगा, क्या परेशानी होगी? देखें दोस्तों, जब ये दांत आपका तकलीफ दे रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इकट्ठा होगा। जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये दांत से नीचे की हड्डी में चला जाएगा। जब ये हड्डी में जाएगा तो हड्डी से बाहर निकल के जो गाल की तरफ सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या जबान की तरफ अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ चला जाएगा। बोन से, दांत से जाता है बोन में, बोन से इसके पास निकलने के दो रास्ते हैं, या तो बाहर गाल की तरफ आ जाए या अंदर जबान की तरफ चला जाए। इन दोनों ही कंडीशंस में अंदर के हिस्से में स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। ये स्वेलिंग कई बार बहुत खतरनाक हो सकती है, या मैं कहूँ कि जानलेवा भी हो सकती है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, 100% सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये स्वेलिंग जब अंदर जबान की तरफ चली जाती है तो ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे सांस लेने का रास्ता होता है ये स्वेलिंग जाकर के उसको कंप्रेस कर देती है और एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसे लुडविग्स एंजाइना कहते हैं। तो ये समस्या भी इससे हो सकती है। दूसरी समस्या इससे ये हो सकती है, इसे नेगलेक्ट करने से, कि हमारा पास वाला दांत खराब हो सकता है, उसमें भी दर्द होगा खराब होने से, फिर उसकी रूट कैनाल कराना है, उस पर कैप लगाना है, ये सब चीज़ें हम इस चीज़ को न्योता दे बैठेंगे। तो दोस्तों, ये जो है अकलदाढ़, अगर आपको सब बोल रहे हैं कि निकलवा दो तो फिर प्लीज़ इसको निकलवा दो, क्योंकि इससे जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसके ट्रीटमेंट में आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये ना सोचें कि हम दवाई से इसको मैनेज कर लेंगे, जैसे तैसे करके बस उसको चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप बेशक एक से ज़्यादा दो ओपिनियन लीजिए, मैंने और भी मेरे वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किस कंडीशन में इसे निकालना ही पड़ता है, उसे भी आप देखें। तो अगर इसे निकालना ही पड़ रहा है तो फिर मैं यही सलाह दूंगा कि डर को एक बार मन से हटाएं, इसे निकलवाएं, क्योंकि नेगलेक्ट करने से, नज़रअंदाज करने से चीज़ें कई बार और ख़राब हो जाती हैं। स्वेलिंग के साथ साथ इससे फीवर भी आ सकता है। जब ये इन्फेक्शन बॉडी में इकट्ठा होता है, इन्फेक्शन का मतलब होता है बैक्टीरिया, जब एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे ब्लड में, बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे फीवर भी आ सकता है। यहाँ पर गले में लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं, हमें ऐसी गठाने जैसी फील होती हैं। जब ज़्यादा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इकट्ठा होता है तो ये लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं, ये भी दर्द तकलीफ देते हैं और इनका बढ़ना भी अच्छा नहीं होता। हम इसे जब दर्द सहते सहते भी इसे दिन निकाल रहे हैं तो हम पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन किलर तो खा ही रहे होंगे आप, ऐसा तो नहीं कि पेन सहते ही जा रहे हैं। तो ये जो पेन किलर हैं ये भी एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा जब आप खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक खा रहे हैं तो इनके भी नुकसान है, तो कितने खाएंगे पेन किलर भी, है ना। और जब इसकी स्वेलिंग के कारण और इसकी तकलीफ के कारण आपका मुंह अच्छे से नहीं खुल रहा, आप खाना नहीं चबा रहे, तो फिर आपका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वो भी हमें नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ ये प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट बोलते हैं बहुत दिनों से मैं दूसरी तरफ से ही खा रहा हूँ। तो जब बहुत समय तक हम दोनों तरफ से न खाते हुए एक तरफ से ही खाना खाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे उसी साइड के जॉइंट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। खाना हमेशा दोनों तरफ से बैलेंस्ड खाना चाहिए, ना कि एक ही एक साइड से खा रहे हैं। तो ये भी हमें समझना होगा कि हमें एक ही साइड से खाना नहीं खाना है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे स्वेलिंग हो सकती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है, इससे हमारा मुंह खुलना कम होने की वजह से खाना ठीक से नहीं खा पाना, हमारा न्यूट्रिशन ख़राब होगा, हम एक ही तरफ से खाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जॉइंट पर प्रॉब्लम्स होंगी, हम इससे फीवर डेवलप हो सकता है, इससे पास वाला दांत भी ख़राब हो सकता है, तो ये विभिन्न समस्याएँ इसे नेग्लेक्ट करने से हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि अकल दाढ़ को अगर हम नहीं ही निकालेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये डर आप अपने मन से निकालें, और आप इसे अगर आपके डेंटिस्ट एडवाइस कर रहे हैं कि निकाल देना ही बेहतर है तो फिर इसे निकलवा के इससे फ्री हो जाएं, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। थैंक यू।